में विश्व प्रसिद्ध लच्छवार होली आज खेली जाएगी। बता दें कि इस होली को महिलाएं लाठियों से खेलती हैं। नंदगांव के पुरुष हुरियारों से बरसाने की हुरियारिन लाठियों से होली खेलती हैं। आज की होली को खेलने बरसाने में लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा है। लाखों श्रद्धालु लट्ठमार होली देखने आज बरसाना पहुंचे हैं। बरसाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। वहीं ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से बरसाने की निगरानी की जा रही है। शाम 5 बजे बरसाने में लट्ठमार होली खेली जाएगी। 5,500 वर्ष पहले राधा रानी ने श्री कृष्ण के साथ लट्ठमार होली खेली थी। वहीं आज भी वही परंपरा नंदगांव बरसाने के लोग निभा रहे हैं। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली की धूम मची हुई है। भाई मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जो होली खेली जा रही है, कैसा आपको लग रहा है बरसाना की होली में? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हैं बरसाना की होली को? भैया बड़ा आनंद आ रहा है। यके 2-3 दिन हो गए यही आनंद ले रहे हैं हम तो बरसाना में। यके क्या कुछ यहाँ का कार्यक्रम रहता है? अब यहाँ पे पूरा गोस्वामी समाज आएगा और ये बोलते हैं हम रंगीली चौक पे यहाँ पे चौपाई होगी। आके गोस्वामी समाज आकर के पद गायन गाएंगे और यहाँ से फिर चौपाई पूरी जाएगी गोपाल जी के मंदिर पे और गोपाल जी मंदिर से फिर पद गायन अपने होली की रसिया गाते हुए हम पहुंचेंगे सुदामा चौक और सुदामा चौक अपना ये होली का पद गायन समाप्त करके प्रियाकुंड जाएंगे। प्रियाकुंड जाकर के नंदगांव वालों को अपने ठंडाई से और कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है? लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है भैया। यहाँ पे बरसाना में समय लाखों श्रद्धालु राधा रानी दर्शन करने के लिए एवं होली देख दर्शन करने के लिए आते हैं। लाखों की भीड़ भैया। कैसा माहौल रहता है होली के दौरान? होली का माहौल तो मैं कहूंगा नहीं, उस शब्द में वर्णन होगा नहीं। बड़ा आनंद हर्षोल्लास बड़ी दिव्य छटा यहाँ पे रहती है बरसाना धाम में होली के समय। हाथों में गुलाल है, अब तक कितने लोगों को गुलाल में सराबोर किया है? अनगिनती कर चुके, कोई गिनती नहीं है, 1-2 लाख। कितना एंजॉय कर रहे हैं बरसाना की? काफी कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं आपकी होली देखने के लिए? कम से कम 1-2 लाख आदमी आता है। देखिए 1-2 लाख की भीड़ होती है, क्या महत्व है बरसाना की होली का? भैया महत्व तो बहुत बड़ा है। यहाँ को व्याख्यान तो स्वयं ठाकुर जी या उरिया खिलवे नंदगाम थे यहाँ रहो तो यहाँ को इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है कि हम ग्वाल वालों के साथ में किसने भगवान उरी खेलेंगे। तो इसका तो बहुत तगड़ा ही समझो, कोई मोल ही नहीं है इतना तगड़ा। गोपियों का क्या स्वरूप माना गया है लट्ठमार होली में? गोपियों का लहंगा चुन्नी ओढ़ करके वो होली खेलेंगी आज और ये समझो कि उनका स्वरूप ये है कि वो साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। देखिए राधा रानी का स्वरूप यहाँ पे जो बरसाना की गोपियां हैं जो यहाँ पे लट्ठमार होली होती है वह माना गया है और विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का जो कार्यक्रम है आज होना है यहाँ पे। बहुत आनंद यहाँ पे आ रहा है, लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जगह जगह पे पुलिस प्रशासन ने बैरियर की व्यवस्था लगा रखी है और श्रद्धालुओं को वन वे व्यवस्था के तहत यहाँ पे भेजा जा रहा है। और मेरे आप पीछे देखेंगे कि किस तरह से बरसाना की जो रंगीली गली है पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है। और जब मेरे साथ आप आएंगे यही इसी स्थान पे विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाएगी, पूरी रंगीली गली में किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही वो गली है जहाँ पे 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग लट्ठमार होली खेली थी। पुलिस ने पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेला की व्यवस्था पे यहाँ पे पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, साथ ही सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात है। सुमित सोत्रिया, जन टीवी, बरसाना।